धन धन सदगुरु तेरा आसरा। सदगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी के लिए बरनावा आश्रम से और सिरसा दरबार से बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूँ जी। सात संगत जी, इतनी इम्पोर्टेंट खुशी की खबर है जिसको सुनाते हुए मन इतना हर्ष और उल्लास हो रहा है और इतनी खुशी हो रही है जिसको सुनकर आप भी अपने मन को हर्ष और उल्लास से रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, सत्संग जी, सभी सत्संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। हजूर पिताजी ने आते ही मानो खुशी होगी ऐसे बरसात कर दिया जैसे सावन के महीने में पानी की बरसात होती है। सत्संग जी, हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। सत्संग जी, हजूर पिताजी ने क्या तोहफा दिया है यह बताने से पहले सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। हजूर पिताजी जो भी मानवता भलाई का कार्य कर रहे हैं उसमें आप किसी ना तो किसी तरीके से हजूर पिताजी का सहयोग कर सकते हैं, वो चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया कुछ भी हो, जहाँ पर भी हजूर पिताजी की वीडियो आप किसी भी तरह की देख सकते हैं, वहाँ पर लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दो, क्योंकि सभी सत्संगत को उसके बारे में पता चलता है और समाज को पता चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति भी आपके इस कार्य से सफल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान होता है और हजूर पिताजी कहीं ना कहीं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ खुशियाँ ज़रूर देते हैं। वो मालिक सदगुरु कोई भी आपकी खुशी, आपकी जो सेवा होता है उसको कभी नहीं रखता, क्योंकि हजूर पिता जी की जो यह वीडियो है इसे भी आप सत्संगत के पास शेयर करते हैं, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट सूचना बताने जा रहा हूं उसके बारे में आपको पता चलेगा तो आप खुद महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं हम हजूर पिताजी को किसी न किसी तरीके सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने कल तो जो है 14 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दिया है, जो ट्री प्लांट में शामिल हो चुका है। हजूर पिताजी अपना रिकॉर्ड स्वयं खुद ही तोड़ते हैं। हजूर पिताजी ने 7 लाख से भी ज़्यादा पौधारोपण करवा कर सत्संगत से वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दिया। पिछले साल 7 लाख के समथिंग पौधा प्लांट रोपण किया गया था, इस साल 7 लाख से भी ज़्यादा सत्संग जी हजूर पिताजी ने जो है पौधारोपण कर दिया। आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि जो सिरसा दरबार से सूचना है उसको बताने से पहले आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे ताकि सभी को पता चल सके, और वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो हजूर पिताजी की पल पल की खबर हम इस चैनल पर देते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। जी हाँ सत्संग जी, हजूर पिताजी की जो मेन खबर है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको बड़े ही ध्यान से सुनना है, जिसमें जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाते हो, संदेश लगाते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी सेवा बनती है। हजूर पिताजी का जो आज लाइव भंडारा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हजूर पिताजी आज लाइव दर्शन देंगे। हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत की अरदास कबूल कर लिया। हजूर पिताजी सभी सत्संगत को इन जगह पर लाइव दर्शन देने वाले। आप सभी के पास जो भी जिम्मेदार भाई बहन आपको जहां पर जाने के लिए बोलते हैं आपको वहीं पर जाना है, क्योंकि बरनावा आश्रम में हजूर पिताजी कानून का सम्मान करते हुए किसी को नहीं बुला रहे हैं और हमें भी हजूर पिताजी के इस काम में सहयोग देना होगा। अगर आप भी हजूर पिताजी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कर दें ताकि सभी हजूर पिताजी के इन वचनों को पालन कर सके, और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी की भी इसमें घर बैठे कहीं ना कहीं सेवा बन जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादा से ज़्यादा संगत को पता चलता है तो कहीं ना कहीं हजूर पिताजी के जो वचनों का पालन सात संगत भी करते हैं और कानून का सम्मान भी बना रहता है। हजूर पिताजी कानून का सम्मान करते हुए समाज का भलाई का कार्य में भी सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से एक पंथ से एक, वो बोलते हैं कि एक पंथ दो काज, हजूर पिताजी इस तरीके से एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। कानून का सम्मान भी बना रहेगा और समाज के भलाई का कार्य भी नहीं रुकेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड हर बार हजूर पिताजी शामिल करते हैं और ये भंडारा भी ऐतिहासिक होने वाला है। इस भंडारे की लिस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके एक शेयर से अगर एक नया जीव भी नामदान लेता है और वह नशा बुराइयाँ छोड़ देता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग हो जाएगा और आपके मालिक सदगुरु उसके बदले में क्या पता जन्म जन्म के कर्म काट दे। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने जो समय रखा है भंडारे का वो शाम का 6 बजे का रखा है, और जो नए जीव नशा बीमारियाँ, नशा कुरीतियाँ और अपराध छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हजूर पिताजी ने जो समय रखा है वो शाम को 5 बजे मेला ग्राउंड में रखा है। जी हाँ सत्संगत जी, इसलिए आप इस वीडियो को इस वजह से यह वीडियो जरूरी भी हो जाती है और इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, तो आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी सत्संगत के पास शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करने के बाद TRP में डाल देना, जिस वजह से ये वीडियो TRP मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों तक यह वीडियो पहुँचेगी। तो आप सभी ने इन वचनों का जरूर ध्यान रखना है, मेला ग्राउंड में नए जीव पहुँचेंगे वो 5 बजे से पहले पहले पहुँच जाएगी, क्योंकि हजूर पिताजी जूम के माध्यम से लाइव नामदान भी देंगे।
जी हाँ सत्संग जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हजूर पिताजी रहमत इतनी बरसा रहे हैं जिसकी तुलना हम किसी चीज़ पे नहीं कर सकते। तो हजूर पिताजी की पल पल खबर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचता है। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही हजूर पिताजी कोई खबर मिलेगी सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन धन सदगुरु तेरा आसरा।